सना वैसे मुझे ये बताएं, आपकी थ्रू आउट द प्रेगनेंसी आप अपना मॉर्निंग शो करती रही हैं, हाँ. वो कितना वैसे मुश्किल होता था? क्योंकि लोगों को देखने में शायद ये आसान लग रहा होता है, स्पेसिफिकली मर्द रात को, लेकिन वो जो औरत जो 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 कैरी कर रही है अपने वूम में बेबी को, उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है कि आप मुसलसल जितना काम कर रहे होते हैं. सो मदीहा, मेरे केस में ये हुआ कि अल्लाह का शुक्र है मेरी प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेटेड नहीं थी. नौजिया वगैरह, वो तो सुबह, सिर्फ सुबह का टाइम होता था जब आप यू नो व्हेन यू आर ब्रशिंग योर टीथ एंड देन यू लाइक एंड देन एक सेकंड लिए मैं कहती थी आज मैं नहीं जा सकती, फिर मैं कहती थी हाँ मैं जा सकती हूँ. तो वो वाला सीन था. बट मेरी प्रेगनेंसी अल्लाह का शुक्र बहुत आसान थी और मैंने बड़े चलते फिरते सब कर लिया. मेरे जो टीम के लोग वो ये कहते थे यार हमारी बीवियाँ तो बड़ा नखरा, बहुत बहाने बनाती है हम हमें पता. मैंने कहा यार हर किसी की प्रेगनेंसी अलग होती है. सो आई वॉज वेरी लकी. तो वो मेरी जो पहली मतलब जो था अलाया थी, सो इट वॉज़ वेरी कंफर्टेबल और मैं आती थी काम करती थी. दैट केप्ट मी बिजी, कि वरना फिर आप क्या करें, आपका दिन कैसे गुजरे. तो काम किया चलेगा. और लास्ट डे पे यू नो आई वाजंट फीलिंग वेल. आखिरी का कोई दिन था कि मैंने हील्स पहनी हुई थी एंड यू नो कोई कंपटीशन हो रहा था. ये वो थी सूजन होती है. हाँ वो क्या करूँ. हाँ, लेकिन इधर अच्छा दिखना. हाँ, क्या करना भी होता है. तो फिर वो मैंने हील्स पहनी थी. अब मिड शो के ना मैं कह रही हूँ मुझे ना आई एम नॉट फीलिंग टू गुड, मुझे पेट पे कुछ अजीब कुछ दर्द कहूँ या कुछ अनकंफर्टेबल था. तो मैंने कहा सुनो मे बी इट्स टाइम. तो मेरी एक एक्सपीरियंस्ड टीम मेंबर थी सादिया, तो उसने कहा नो 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 यू विल नो व्हेन इट्स टाइम, डोंट वरी. तो फिर मेरी हील्स मैंने उतार दी, मैंने चप्पल पहन ली, मेरी गाड़ी रेडी थी. लिफ्ट हमारी फर्स्ट फ्लोर पे था, लिफ्ट रुकी हुई थी, गाड़ी यू नो रेडी थी और सब अलर्ट पे थे इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, एक कोई इमरजेंसी हो जाए. जैसे ही शो खत्म हुआ मैं भागी हूँ, डायरेक्ट मैं हॉस्पिटल गई हूँ. वैसे मेरा अपॉइंटमेंट था. तो मैं घर से फाइल उठाई और मैं इन्हीं के शो की गाड़ी में, मैंने कहा चलो यार मुझे आप हॉस्पिटल ड्रॉप कर दो. और बड़ी कैजुअली मैं डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने कहा अच्छा जी आ जाए चले. फिर मैंने कहा आ जाए मतलब? कहती है बस मेरी तो जान निकल गई. मैंने मैसेज किया गाइस इट्स हैपनिंग. तो मेरी जो बॉस थी मैमुना, तो वो मुझे मैसेज करती है कुछ शाम में पता नहीं कितने 7-8 बजे या 6 बजे कि हर्ड यू वांट फीलिंग वेल, आई होप एवरीथिंग इज़ ओके. और मेरी जो छुट्टियाँ थी ना वो नेक्स्ट वीक के बाद से मैं छुट्टियों पर जाने वाली थी. 2 वीक्स पहले हो गई थी अलाया. सो मैं आई वेटेड. उसके बाद मैंने तस्वीर खींची लाई कि मैंने कहा आई एम कम्प्लीटली फाइन, दिस इज़ द वन, आई मीन शी वांटेड टू बी आउट सो दैट्स व्हाई. तो शी इज़ लाइक ओ माय गॉड रेडी. तो मेरी पूरी टीम पर हैरान थी कि अच्छा, यार और वो कैसे होता है कि अगर आप बगैर तैयारी के हॉस्पिटल में पूरी चीज़ें चाहिए होती जो आप लेके जाना है. सो वॉज भाई उसके साथ थे. अच्छा कसाम, हाँ कसाम था, कसाम साथ था. मैंने कसाम बेसिकली हुआ ये कि मैं हॉस्पिटल गई, मैं डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने कहा आप एडमिट हो जाएं. तो मैंने कहा एडमिट क्यों हो जाऊं, मुझे तो कोई ज़रूरत नहीं है अभी. जब जरूरत पड़ेगी तो मैं आ जाऊंगी, क्योंकि मुझे पहले से नहीं होना था. तो दोपहर का टाइम मैं वापस घर गई और अब वी हैव वांटेड टू गो टू आ खान राइट. और मेरी डॉक्टर साउथ सिटी में थी और ये शाम हो रही है और मैंने कहा कसाम, हाँ मैंने कहा कसाम बात यह है कि अब जाना पड़ेगा. तो कसाम कह रहा क्या, मैंने कहा चलो. शुक्र कसाम था. अब कसाम देख, अब वो बंदा इतना परेशान, उसने एक मैसेज किया है इट्स टाइम. उस मेरी पूरा ख़ानदान पहुंच गया था ऑलरेडी, अम्मी बहनें ये वो. और अब मैंने कहा चलो आहान चलो, कह रहा है नहीं नहीं कोई सीन ही नहीं है, 3 घंटे बाद पहुंचेंगे और हम जा रहे हैं दरी जा रहे हैं. तो वो बिकॉज ऑब्वियसली दैट्स लाइक 15-20 मिनट्स अवे फ्रॉम माई हाउस. तो हम वहाँ पहुँच गए. डॉक्टर ने कहा था टोल्ड यू कि एडमिट हो जाओ. मैंने कहा सॉरी डॉक्टर लेट्स गेट स्टार्टेड. और वो जो है वो जो छोटी बहन है वो लैंड कर गई थी. मेरी सारी मेरी बहनें मेरी अम्मा, वो तो हमेशा वो उनके घर से भी 15-20 मिनट दूर है. सो मुझे कुछ नहीं, मैं बहुत लकी हूँ मदीहा कि मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ता इन मामलात में, किसी भी मामलात में. मुझे सिर्फ एक मैसेज एक कॉल करनी पड़ती है. माई मदर इज़ अ सुपर वुमन एंड शी इज़ द बेस्ट मदर. मैंने पता नहीं दूसरी सबकी अम्माएं बेस्ट होती होंगी, लेकिन मेरी अम्मा की जो सपोर्ट है मेरे लिए, मेरी बेटी रात को मैनेजमेंट के लिए. हाँ एग्जैक्टली. मैं अम्मी के घर रह रही हूँ आजकल. यूजली जब मेरे पास काम होता है तो मैं अम्मी के घर आ जाती हूँ. ये पूरे मेरे चैनल को पता है कि 3 घर से पिक, आज कौन से वाले घर से पिक होना है. तो वही वाली चीज होती है कि अम्मी अलाया अम्मी के साथ सोती है. इतनी प्यारी पिक्चर्स. अच्छा इतनी अटैचमेंट है अच्छा, क्योंकि नानी है ना. नानी है और यू नो वो अम्मी, माय मदर विल नेवर गिव अप. ये नहीं खा रही तो ये ले आओ. और उसका छोटा सा खाना ना तरीके से, अगर फ्राइड राइस है तो जैसे आपको रेस्टोरेंट में सर्व होती है उस तरह छोटे छोटे बोल्स में छोटी सी जली साइड में आएगी. उसका बहुत
प्रॉपर अम्मी करके देती है सब अच्छी चीजें की सारी ग्रीन्स वगैरह इसका ख्याल रखती है एवरीथिंग एंड द यू नो द प्रेजेंटेशन शी प्रेजेंट्स फॉर हर ये मेरी छोटी बहन है प्यारी पिक्चर्स है ये कौन से ओकेजंस की वजह से ये सोनिया की शादी थी जो वाइट में है तो वो एंड दिस इज अनम ये मेरे बाद है ऑन द राइट साइड दैट्स आमना दैट्स माय डैड एंड ऑफ कोर्स दैट्स That's my favorite. अंकल तो बड़े क्यूट है अंकल की एक बड़ी पिछली तस्वीर गुजरी थी अंकल बड़े जैंगो लग रहे थे वो कहाँ की तस्वीर थी वो अमेरिका की थी वो कहाँ की थी टर्की की होगी टर्की की हाँ ये वाली this one हाँ टर्की we were all in Turkey oh this is such a nice picture हम लोग एफर्ट करते हैं भाई मेरी बहन अनम है जो येलो में वो सारे एफर्ट करती है अब हम टर्की जाने जा रहे हैं चलो भाई चलते फिर तो वो डिसाइड करती है दैट वन अच्छा अभी आंटी क्या बात करी थी कि जितनी कोऑपरेटिव है जितनी जबरदस्त तरीके से मैनेज करती है और बेटी को भी इतने अच्छे तरीके से देखती है आपके वीलॉग्स बड़े मशहूर है वीलॉग्स में जो अपनी अम्मा की बड़ी एक सीक्रेट रेसिपी बताती हैं तो वो जो आपने लोगों को बताया ऐसा ना वो खुद भी सीखा है कि हाँ क्योंकि मैं जा रही हूँ और मुझे है क्योंकि अभी आप बता रही थी कि आपकी बेटी भी बड़ी जब मैं पिछली दफा अमेरिका गई थी ना लाए की विंटर वेकेशन में तो ऑब्वियसली अब कितना बाहर से खा लेंगे आप और आपको भी नहीं दिल चाहता बार बार अब खाना तो बहुत ही मज़े का होता है वहाँ का लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो यार कुछ बनाते हैं घर पे कसाम की फ्लाइट थी मैंने कहा वो भी आएगा खुश होगा कि चलो यार बीवी आई है कुछ लग रहा है तो मैंने अम्मी को कॉल की मैंने कहा अम्मी कुछ आसान सा बता दे तो येलो वाले चावल अलग पसंद है ना प्याज भून वो कर लिए हो गए और चिकन मैंने बना ली इतना भी मुश्किल नहीं है भाई सालन मुझसे बन गया तो अब रोजाना मैं यही बनाऊं है ना आ गया मुझे अब वो मेरी कंफर्ट जोन होगी परफेक्ट हो जाओ ना कि मैं सच बहुत जबरदस्त खा रही हूं वाओ मम्मा यू आर द बेस्ट आई लव यू मुझे इतना मैंने कहा मासूम बच्ची एक खाना खा के यू आर द बेस्ट मैंने कहा ठीक है तीसरे दिन कहती है मम्मा दिस इज इट इनफ इज इनफ 6 साल की इनफ इज इनफ आई कांट हैव दिस राइस एवरी डे आई वॉन्ट रोटी कहती है मैं राइस रोजाना नहीं खा सकती मुझे रोटी चाहिए मैंने कहा अगली दफा लाया रोटी सीख के आएंगे कह रही है वाई हैज योर मदर नॉट टॉट यू तो अब दादी को कंप्लेन करती है दादी आपने मुझे रोटी बनाना वो दादी कभी किचन में जाती है तो अलाया भी तो वो छोटी रोटी बनाती है उनके साथ ना तो वो कहती है आपने मुझे रोटी बनाना सिखाई है और मम्मा मेरी अम्मा मेरी नानी ने मुझे पराठा बनाना सिखाया लेकिन अच्छा कंप्लेन भी किसी करिए सास से लेकिन क्या कहते हैं मम्मा को उनकी मम्मा ने कुछ नहीं सिखाया ओ कसाम की अम्मी हंस हंस के पागल वो हंस भी रही है कि क्या बात करी कह रही है और वो कह भी नहीं कह रही थी कि तुम्हें नहीं सिख मैंने कहा अम्मा बस कर दे आपके भी बड़े मजे वो कह रही होंगी आंटी कह रही होंगी चलो जो मैं ना कह सकूं ये कह रही है मेरी पोती ने वो कह दी अच्छा मुझे बताया एक आपका इंटरव्यू जो बहुत मशहूर होता है सब भी हम भी देख के बहुत खुश हो रहे थे अच्छा और वो इंटरव्यू आपका था जो आपने शाहरुख खान का किया था ओ या शाहरुख खान सलमान खान और फिर आप उनका इंटरव्यू कर रहे हैं बड़ी दोस्ती हो गई थी बहुत नर्वस थी या वो बहुत प्रोफेशनल्स हैं मैं बहुत नर्वस थी और मुझे यहाँ से मेमोना ने कह के गया था कि ऐसा शो चाहिए कि लग नहीं रहा हो कि आप इंटरव्यू करें लग रहा है कि कोई दोस्त बैठ के बात करें मैंने कहा ओ माय गॉड इतना प्रेशर किस तरह हो गई है और बिकॉज ऑब्वियसली यू नो यहाँ पाकिस्तान से और लोग भी गए थे इंटरव्यू करने के लिए तो और मेरा नंबर 3rd था जो मुझे पता उससे पहले पता नहीं कितने तो वो साहिर लोधी का इंटरव्यू हो चुका था फिर शाइस्ता का इंटरव्यू हो चुका था अब वो मेरे पास आया था तो मैंने कहा यार इनकी एनर्जी तो डेड हो जाएगी कितनी बात कर लेंगे मुझसे वो ये वो But they were so nice. I mean, Kajol and Shahrukh Khan, the way they, मैं तो जान जाई थी मैंने कहा oh my god, जो आ रहे चलते हुए मैं देख रही हूँ ना और पूरा वो गाना चल रहा है धूप से निकल मेरे जहन में तो वही वाला सीन है तो वो आए but he was such a gentleman. He made me feel so comfortable, जैसे कि मैं स्टार हूँ और वो कुछ नहीं है इतनी स्पेस दी इतना कम्फर्ट दिया कि मैं कर पाई आराम से